हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे साइंस, जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे थे। इसमें बात कर रहे थे हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अभी तक हम लोग 500 के करीब खत्म कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं 501 से आगे की। याद रखिए, अगर आप नहीं देखे हैं पुराने लेक्चर आपके, तो जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, 501 बार क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आलोह धातु नहीं है? तो आपको बता देना, लोहा नहीं है आलोह धातु, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है, निकेल है। क्वेश्चन नंबर 2, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो याद रखना, चालन, चालन धातुएं चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। माध्यम के प्रत्येक कण अपने अगले कण को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। ठोस एवं पारा की ऊष्मा का संचालन इस विधि से होता है। संवहन, इस विधि में तरल के कण गर्म भाग से ऊष्मा को ले लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर तथा ऊपर वाला ठंडा भाग नीचे आ जाता है। द्रव एवं गैस में संवहन इस प्रक्रिया विधि द्वारा होता है। विकिरण, रेडिएशन, इस विधि में ऊष्मा बिना माध्यम से गर्म किए विकास की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का आना बालों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 3, जंग का उदाहरण है, तो याद रखना, यौगिक का। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग के फलस्वरूप बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, वात्याभट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित में से कहाँ? अपचयन में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लोहे ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो आपको बता देना है, भार में बढ़ोतरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली सदैव बनाई जाती है, जो धातु उस पर चढ़नी है वह सदैव बनाई जाती है। तो इसमें कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली सदैव कैथोड बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़ती है वह सदैव एनोड बनाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, कोरंडम का उपयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है, तो आपको बता देना है, इनमें से कोई नहीं। कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है, Al2O3। क्वेश्चन नंबर 8, पारा निम्नलिखित में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? तो आपको बता देना है, सिनेवावार, मर्क्यूरिक ऑक्साइड सिनेवावार, सिनेवार केलोमल में पारा शनिवार से आसानी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलेय होता है? तो याद रखिए, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्यूज तार बना होता है, याद रखिए, सीसा और टिन का। फ्यूज तार आपका सीसा और टिन का बना होता है। फ्यूज तार का गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अत्यधिक आघात वर्ध धातु कौन सी है? तो याद रखिए, सोना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? तो याद रखिए, तांबा, इसमें बी ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकतम तन्यता वाली पदार्थ है? तो याद रखिए, तांबा। अम्लगम में रहता है Hg, पारा। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः स्नेवार अयस्क से होता है। पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि यंत्रों में, सिंदूर के निर्माण में, मरकरी वाष्प लैंप बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस तरह की बिल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है? तो आपको बता देना है, आर्क, सी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, बेसेमर विक्रम से बनाया जाता है इस्पात, सी ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 17, थर्मिक बिल्डिंग है एक प्रकार का, तो याद रखें, फ्यूजन बिल्डिंग, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? तो याद रखें, टाइटेनियम। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। इसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर।
सल्फा का उपयोग ब्यूटी पार्लर में बालों की को विशिष्ट आकार से सेट करने के लिए होता है। सल्फर फफूंदी नाशी के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 19 हो गया 20, 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता होती है आर्क वेल्डिंग की, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, लोहे का शुद्धतम रूप है, तो याद रखना पिट वालों का, इसमें आपकी कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25 तक होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 22, निम्नलिखित धातुओं पर विचार करना है आपको, प्लेटिनम, स्वर्ण, ताम, सीसा, इनमें घनत्वों का सही आरोही क्रम देखना है आपको, तो इसमें आपका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें आरोही क्रम में पहले ताम, फिर सीसा, फिर स्वर्ण और फिर प्लेटिनियम, ठीक है, ये दिए गए उनके घनत्व, ठीक है। 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, फिर सीसा का है, दीपिका, प्लेटिनियम और हीरा, स्वर्ण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से पॉलीमर है, तो आपको बता देना है स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 24, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है, तो याद रखना नायलॉन। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा नायलॉन है, इसका निर्माण एडिपिक अम्ल हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन से होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, टायर बनाने में, रस्सी एवं पैरासूट बनाने में। रियान का निर्माण सेलुलोज से होता है, सेलुलोज में सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइसल्फाइड डाइलोड H2SO4 के मिलाने से पर रियान रेशा प्राप्त होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। ईस्टर के बहुलीकरण से पॉलिस्टर का निर्माण होता है, वस्त्र बनाने में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हीरा है, तो याद रखना है आपको, हीरा है शुद्ध कार्बन क्रिस्टलीय, ए ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। हीरा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। रंगहीन हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। काला हीरा का को बोट कहते हैं, इसका उपयोग कांच काटने में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, तो आपको बता देना है बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में, ठीक। सिलिकॉन कार्बोराइड को कार्बोंडम कार्बोरेंडम कहते हैं, इसे किंतम हीरा भी कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है, तो याद रखना ग्रेफाइड का, सी ऑप्शन सही, सॉरी डी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक तत्व है, तो आप याद रखिए हीरा, कार्बन का पर रूप है हीरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, एक जलीय घोल का OH सांद्रण 1×10⁻⁴ घोल का पीएच मान होता है, तो याद रखना 10, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, मेहो मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए होता है, तो याद रखना कठोरता के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो याद रखना मिट्टी का तेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, फेल्सपार एस्क है, तो याद रखना इनमें से कोई नहीं, यानी कि एल्यूमिनियम का एस्क है, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर आपका 33, घरेलू साधनों में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वसामान्य रूप से कौन सा धातु उपयोग किया जाता है, तांबा। क्वेश्चन नंबर 34, एक धातु प्रति चालकता ग्रहण करती है, याद रखना क्रायोजेनिक तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 35, प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई, तो याद रखना तांबा, ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था, तांबा धातु का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय है, तो याद रखिए निकिल। वैसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। ये विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है क्लोरीन। समान धातु के चार तार का भार एवं विस्तृत का ग्राफ निम्नतम सबसे पतले तार को कौन सी रेखा दर्शाती है, याद रखिए इसमें ओ ए, ओ
क्वेश्चन नंबर आपका 39। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो याद रखिए बोरोन। वैसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की संख्या है 7। बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। क्वेश्चन नंबर 40। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 41। लिखने वाली पेंसिल का में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक है, ठीक, और कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 42। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। तो याद रखना वायु श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण वायु श्वसन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो याद रखना CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 44। टंका से बनी धातु है तो आपको बता देना है, इसमें डी ऑप्शन होगा। और टंका सीसा एवं टिन से बना मिश्र धातु है, ठीक है, किससे? सीसा और टिन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग है? तो याद रखना 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर आपका 46। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है? तो इसमें लाइम, सिलिका, एलुमिना। लाइम, सिलिका और एलुमिना पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। इसका आविष्कार 1824 में जोसेफ आस्पडेन ने के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ता। बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 47 48। स्टील में कितना कार्बन होता है? तो याद रखना 0.1 से 2 प्रतिशत तक, ठीक। आगे 49। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो याद रखना एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 50। स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम, ठीक, इसकी मात्रा होती है 18%। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो याद रखना एजुराइट, ये कॉपर का अयस्क है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52। CaOCl2 एक यौगिक है, यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। तांबा तथा जस्ता मिश्रण है, तांबा तथा जस्ता मिश्रण है पीतल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर याद रखिए पीतल में तांबा 80% था, जस्ता 20% होता है। क्वेश्चन नंबर 54। धातु की प्रकृति होती है उदासीन, धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, अधातु की प्रकृति ऋणात्मक होती है, ठीक है, इसमें विद्युत धनात्मक होगी याद रखिए, ठीक है। कभी कभी आंसर ऑप्शन गलत दे दिए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए व्याख्या भी देख लिया करो उसकी। सोडा वाटर है गैस द्रव विलयन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। हेमेटाइट एस्क है तो याद रखना Fe का। क्वेश्चन नंबर 57। अधातु के ऑक्साइड प्रयाप्त होते हैं तो याद रखिए अम्लीय, अधातु के अम्लीय होते हैं और धातु के क्षारीय होते हैं। शुद्ध सोना की माप है, शुद्ध सोना की माप है 24 कैरेट। सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो याद रखिए टिन और लेड का, लेड का, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो याद रखिए एंथेसाइट। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार एंथेसाइट है, इसमें कार्बन की मात्रा 50,
सॉरी 75 से 90% होती है। यह कोयला सबसे उत्तम कोटि का है। पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला है, इसमें 40 से 50% कार्बन होता है। लिग्नेनाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है, इस कारण इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। बिटुमिनस कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 75% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 61, स्टेनलेस स्टील में रहता है, क्रोमियम लोहा निकेल कार्बन। ठीक है, इसमें स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम लोहा निकेल एवं कार्बन होता है। इसमें क्रोमियम की मात्रा अधिक होने के कारण स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, गन पाउडर क्या है? तो याद रखना, यह पोटेशियम नाइट्रेट कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, सबसे पहले जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, तो याद रखना प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो पेट्रोलियम से, डी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 66, पाइरेक्स कांच मुख्यता है, पाइरेक्स कांच मुख्यता है, तो याद रखना ऊष्मा प्रतिरोधी कांच। क्वेश्चन नंबर 67, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है, तो याद रखिए S8 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, डाइक्लोरो मेथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? फियोन 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69, मेलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो याद रखना तांबर का। क्वेश्चन नंबर 70, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट का, सी ऑप्शन सही है। 71, सीसा किसका मिश्रण है? तो याद रखिए रेत और लवण का, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71, सॉरी 71 नहीं 72, आजकल वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा PPM में लगभग है? तो याद रखिए 360। क्वेश्चन नंबर 73, हेक्सा विरेड बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात से। क्वेश्चन नंबर 74, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है आपको सीसा का, लेड का। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु नहीं है? अधातु नहीं है पूछ रहा, तो याद रखना एल्यूमिनियम नहीं है, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 76, स्टील की को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 77, मोनोजाइड एस्क है, तो याद रखना थोरियम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो याद रखना हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 79, हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है, याद रखिए अपररूपी, हीरा और ग्रेफाइट अपररूपी का उदाहरण है, ये दोनों कार्बन के अपर रूप है। क्वेश्चन नंबर 80, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखना सोना, क्या है? सोना हुआ इसमें, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 82, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी की स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रयोग से? तो याद रखना जेओलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो याद रखना मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 84, चार एक जैसी केतलियों के आधार पर समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं जिसमें समान मात्रा में जल आता है, यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा? कॉपर। ठीक है, बी ऑप्शन है 84 का। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है? तो याद रखना तांबा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो याद रखना चांदी। 87 क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन। ठीक है, ना ये क्षारीय होता है और ना ही ये अम्लीय, ये उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 88,
जब जब इस्पात को मूर्ख लाल गर्म किया जाता है, सूर्ख सॉरी जब इस्पात को सूर्ख सुर्ख लाल गर्म किया जाता है, तो धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है आनीलन। इससे इस्पात की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन 89, यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। क्वेश्चन 90, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाले तत्व कौन से? फियान। क्वेश्चन 91, वातानुकूलन का महत्व को बनाए रखने में है तापक्रम। क्वेश्चन 92, वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त किसी तक है? NH3 अमोनिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका है अगला 93, पिसीतन की अवशोषण प्रणाली सामान्यतः निम्न में से किस पिसीतक का उपयोग करती है? NH3। क्वेश्चन नंबर 94, ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंट्री फेज के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एथाइलीन ग्लाइकोल। क्वेश्चन नंबर 95, डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात की रेंज हो सकती है, याद रखना 16 से 20% तक। क्वेश्चन नंबर 96, डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए होता है? बी और सी दोनों है इसमें। क्या है? घर्षण कम करने के लिए और इंजन को ठंडा करने के लिए। डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए और इंजन को ठंडा करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 97, आर्क बिल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है, तो याद रखना 200 से 250 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 98, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है? आ अनसमानीत सिल्वर को हटाने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, 99 का ए ऑप्शन। फिर 600वां क्वेश्चन, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? तो याद रखना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अम्लता कम करने के लिए उपयोग होता की जाने वाली एलु जल गोली में होता है। याद रखिए ये हमारे 600 रासायनिक के अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं, 600 क्वेश्चन देख रहे हैं रसायन विज्ञान के। अब आगे बात करेंगे हम लोग 601 से। ठीक है।